22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और अब इस महामारी ने हमारे शहर में भी दस्तक दे दी है। ऐसे मौके पर बहुत जरूरी है कि पैनिक होना छोड़कर हम सतर्कता बरतें। समय समय पर हाथ धोना, मास्क का इस्तेमाल और छींकते वक्त सावधानी रखनी तो है ही, लेकिन इसके साथ ही अब यह बहुत जरूरी है कि हम अपने घरों से बाहर कम निकलें। नागरिकों से अपील है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर खड़े ना हो, आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। कोरोना वायरस का संक्रमण एक दूसरे से संपर्क में आने से बहुत जल्दी फैलता है, इसीलिए यह आवश्यक है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें। या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। पूरा इंडिया गूंज उठना चाहिए तालियों थालियों की आवाज से। जय हिंद। छत्तीसगढ़ में कल और आज 2 दिन स्वैच्छिक रूप से कर्फ्यू का 100% पालन आपने किया है। बड़े शहरों ही नहीं अपितु छोटे छोटे गांवों में भी लोगों ने अपने आप को घरों तक सीमित रखकर अभूतपूर्व सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व का पालन किया है। कोरोना वायरस की महामारी से बचने और लड़ने में यह अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आपके सहयोग से मेरा विश्वास अब प्रबल हो गया है कि अगले कुछ हफ्ते यदि हमने इसी तरह से अपने दायित्व का पालन किया और अपने घरों में रहें तो हम छत्तीसगढ़ और देश में कोरोना को हराने में कामयाब हो जाएंगे। मुसीबत के समय छत्तीसगढ़ और देश के लोगों ने हमेशा समर्पण और देश प्रेम का भाव दिखाया है। हमने छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कई आवश्यक फैसले लिए हैं। विश्व भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन या आइसोलेशन को ही एकमात्र कारगर तरीका माना गया है और वो इसका कड़ाई से पालन भी कर रहे हैं। केंद्र शासन ने 31 मार्च तक यात्री रेल सेवा को बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भी वायरस के फैलाव को रोकने के लिए
हमने 31 मार्च तक शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस दौरान सभी कार्यालय, संस्थान, परिवहन सेवाएं और अन्य गतिविधियां बंद रहेगी। अति आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल शॉप, किराना दुकानें, जनरल स्टोर, सब्जी, दूध, पेट्रोल पंप, घरेलू गैस आपूर्ति सेवा सतत रूप से जारी रहेगी। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति, जल प्रदाय सेवाएं, नगर निगम की साफ सफाई और कचरा निपटान सेवाएं तथा आवश्यक वस्तुओं के कमर्शियल परिवहन सेवाएं भी पहले की तरह निर्बाध रूप से कार्य करती रहेगी। नागरिकगण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 104 एवं अन्य किसी भी प्रकार की समस्या के लिए 112 नंबर डायल कर संपर्क करें। यह निर्णय कठोर है, लेकिन आपके परिवार के जीवन की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक है। इस संकट की घड़ी में आपका मुख्यमंत्री, सरकार और उसके महकमे आपके साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम इस महामारी पर विजय पाने में सफल होंगे। धन्यवाद। बस इस बार हमें आपके साथ की जरूरत है।